जो भी वद आने का हव है उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि प्रेस इन्फॉर्मेशन न्यूज नहीं कर दानी वाद And it is today we are all here. It is because of our honorable minister. I would request now, sir, our Union Cabinet Minister Dr. Virendra Kumar ji to address the gathering. Namaskar. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं प्रजापति ब्रह्मकुमारी इंदौर विश्वविद्यालय संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहे आज के सहयोगी कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी राज्य मंत्री समारी रामदास भावरे जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से हमारे बीच में आए आदरणीय आशा दीदी जी, डॉक्टर प्रताप जी, डॉक्टर सचिन जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मीणा जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी राधिका चतुर्वेदी जी, राजेश जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से आए हुए सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, विभाग के हमारे साथी अधिकारी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से मन में ये विचार आ रहा था, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लॉन्च होने की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया। उस अभियान में समूचे देश की समूचे समाज की भागीदारी जोड़ने का भी आह्वान उनके द्वारा किया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को जब ये काम दिया गया, इस काम को हम लोगों ने प्रारंभ में 272 जिलों को चिन्हित किया जो चुनौती थे, बाद में उसमें 100 जिले और जोड़ लिए गए, 372 जिले ये हमारी चुनौती है। और इसमें जब इस कार्य को प्रारंभ किया गया तो जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की उस समय से लेकर और राज्य में लगभग 3 करोड़ युवा, 2 करोड़ Once a person is made aware, then we give them spiritual counseling. And in spiritual counseling, there are two aspects which are highlighted. One, self-esteem is raised. व्यक्ति कोई चीज बाहर से क्यों लेता है, ड्रग्स क्यों लेता है, जब अंदर उसे कोई चीज की कमी है, उसको भरने के लिए वो बाहर से लेता है। निरंतर गतिविधियां आयोजित करते रहे, बात समाज को दिशा देने की हो फिर महिलाओं की भूमिका के बिना भला क्या होगा। महिला मंडल सभा, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स तथा भिन्न भिन्न स्वयं सहायता समूहों से देश भर की महिलाएं इस अभियान से जुड़ी और सकारात्मक बदलाव लाने में भी सफल हुई। किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यात्म का साथ अनिवार्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आगे आए देश के प्रमुख आध्यात्मिक संस्थान जैसे इस्कॉन, ईशा फाउंडेशन तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी, इन संस्थाओं ने अपने सुविचार तथा योग शिविरों के माध्यम से पीड़ितों के लिए स्वस्थ तथा स्नेहिल वातावरण बनाने में मदद की। अभियान के चौतरफा प्रयासों को सार्थक करते हुए सोशल मीडिया का भी काफी उपयोग हुआ। आधिकारिक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि अकाउंट से लगातार जानकारी तथा सुझावों को फॉलोअर से साझा किया गया। सोशल मीडिया रणनीति के अंतर्गत समाज के प्रतिष्ठित तथा सेलिब्रिटी वर्ग ने अपने अकाउंट से अपील, प्रेरणा तथा सहानुभूति के संदेशों द्वारा अभियान को एक व्यापक जनमानस तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। भारत सरकार ने शुरू केलेला नशा मुक्त भारत अभियानाला माझा संपूर्ण पाठिंबा आहे। चला मिळून चाले व्यसनाच्या विरोधातली मॅच जिंकूया। ये अभियान केवल मुख्य क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, भिन्न भिन्न विभागों ने स्थानीय युवा वर्ग की मदद से सुदूर तथा सीमावर्ती जिलों में भी अभियान की उपस्थिति बखूबी दर्ज कराई। एक तरफ समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया गया, वहीं इस ऊर्जा को संबल और सही दिशा देने के लिए योजनात्मक स्तर पर कई ठोस कदम उठाए गए। नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल ऐप तथा वेबसाइट की शुरुआत की गई। वेबसाइट के माध्यम से विशेषज्ञ फोरम के साथ नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर 1444 तथा इसका डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। इन सब के अतिरिक्त विगत 2 वर्षों में
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के अवसर पर NMBA समिट, नया भारत नशा मुक्त भारत, रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज जैसे बड़े तथा समानांतर कैंपेन्स के अंतर्गत पैनल डिस्कशन, वेबिनार, सेमिनार, सांस्कृतिक सत्र, वैकल्पिक चिकित्सा स्तर तथा ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से पूरे अभियान को एक सुदृढ़ तथा समेकित संरचना दी गई। परिणाम आज हमारे सामने है। This recovery, I have realized that this recovery is not just for me, but it is also a recovery for my loved ones who have gone through the bitterness of my addiction. और अब जिंदगी अभी पैसा कमाना है, कुछ बनके दिखाना है समाज को भी और घर वालों को भी। जो हमारे दोस्त हैं वो नर्क में अभी भी हैं, जब भी मिलते हैं हम उन्हें भी बोलते हैं कि हमने वहाँ से छोड़ा है, आप भी वहाँ पे जाके दोस्तों से चला लीजिए। 3 करोड़ से अधिक युवा, 2 करोड़ से अधिक महिलाएं तथा 1 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान समेत कुल 8 करोड़ से अधिक लोगों के साथ NMBA आज पूरी तरह से एक जन अभियान बन चुका है। नशा मुक्त भारत अभियान स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत निर्माण में कटिबद्ध ही नहीं, निरंतर कार्यरत भी है। तो आइए आप भी इस अभियान के साथ जुड़े और साथ मिलकर भारत को नशा मुक्त भारत बनाए। से नो टू ड्रग्स। जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के इन शब्दों के प्रतिबिंब सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को आरंभ किए गए नशा मुक्त भारत अभियान में देखे जा सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत पहले चरण में 32 राज्यों और उनके चिन्हित 272 जिलों जो सबसे ज्यादा नशे से प्रभावित थे उन्हें पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए चुना गया। आइए देखते हैं देश के स्वास्थ्य तथा उन्नति के लिए लिए गए इस कदम को किस तरह स्वयं देशवासी सशक्त बनाने में जुटे हैं। इस अभियान का सबसे बड़ा हितधारी रहा देश का युवा वर्ग, युवा मंडल, नेहरू युवा केंद्र संगठन, NSS तथा NCC के सदस्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर अभियान में युवाओं की भागीदारी का बिगुल फूंक दिया। एक तरफ ये युवा विभागों तथा संस्थाओं से अभियान पर शिक्षित होते तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न माध्यमों से इस शिक्षा को समाज के कोने कोने तक पहुँचाते। हिमाचल प्रदेश में संयम प्रोग्राम, मध्य प्रदेश और गुजरात में गार्जियन क्लब, तो वहीं बिहार में यूथ क्लब और कमेटियां बनाकर युवाओं ने अभियान का जमकर प्रसार किया। इस आंदोलन के अगले घटक थे शैक्षणिक संस्थान, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सटीक तालमेल ने अभियान को एक मजबूत कड़ी प्रदान की। मणिपुर के स्कूलों ने भारत कमिटीज बनाई और काउंसलिंग सेंटर शुरू किए। कोड़ीकोड में 1 लाख छात्रों ने नशे के विकल्पों के पक्ष में मतदान किया। तेलंगाना के कृष्णा जिले में 1,396 स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों ने नशे के विरुद्ध शपथ ली, तो वहीं नैनीताल में ऑपरेशन नैनीताल अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन लॉन्च हुआ। कई प्रसिद्ध